हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज पुलाव बता रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। ये तेल लिए 2 बड़े चम्मच, ये मटन लिए, ये प्याज लिए 5 गिल्ली, ये पुदीना समार, ये मिर्ची को बीच में से कट कर लिए, ये कुछ गरम मसाले, 1 बड़ी कटोरी दही, 1 बड़ी कटोरी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गोश्त का बचा हुआ पानी है, और ये चावल 2 गिलास चावल ली मैंने। बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। एक बर्तन में तेल लिए गाइस, अब इसको गैस चालू करेंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, गर्म होने तक वेट करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें गर्म मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे जब तक वेट करते। देखिए गाइस, ये प्याज अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे मिर्ची, हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें। मिर्ची को थोड़ा 2 मिनट होने देंगे। मिर्ची भी हो गई गाइस, देखिए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी 2 मिनट होने देंगे। अब इसमें पुदीना समार ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से भून रहा है ये। गैस की आंच थोड़ी मीडियम रखेंगे। इसको 2 मिनट तक और भूनेंगे, नहीं तो ये अदरक लहसुन का मसाला ना कच्चा लगता। अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे, मटन। इसको 5 मिनट तक होने देंगे। देखिए तो 5 मिनट वेट करते। अब इसमें दही ऐड करेंगे। पाँच मिनट इसको पकाएंगे, और दही ऐड किए ना इसलिए ये पक चुका है। अब इसमें गोश्त का जो पानी निकाले है वो ऐड करेंगे इसमें, अभी के थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको और पकाएंगे 2 मिनट और इसको पकाएंगे। देखिए अब ये पक चुका है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास चावल ली थी मैंने, तब इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। देखिए ये 1 गिलास से चावल ली थी मैंने, तो ये 1 गिलास से मैं पानी भी डालूंगी। 1 गिलास हो गया, 2 गिलास, 3 गिलास,
3.5 गिलास पानी डालेंगे इसमें, आधा गिलास, 4 गिलास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खुले खुले बनेंगे नहीं फिर ये चावल। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, देखिए अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच। नमक आपके हिसाब से डालें, इसे मिक्स करेंगे। अब वेट करेंगे, पानी को अच्छा उबाल आने देंगे, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है, अब इसमें चावल ऐड करेंगे। इसको चावल इसमें डाल दिया, अब इसको ढक्कन ढक के होने देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेने के है। नमक चेक कर लेना आपने, देखिए ढक्कन ढक देते, इसकी आंच कम करेंगे। देखिए गाइस अब ये हो गए, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए गाइस अब इसमें कलर डालेंगे ऊपर से, दो मिनट इसको और होने देंगे। दो मिनट होने देंगे इसको कम आंच पे, फिर देखते हैं। देखिए गाइस मटन पुलाव रेडी हो गया, अब कलर डाल लिया अपन ने, तो उसके बाद में मिक्स करेंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।